स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम जानने की हैं कि नाविक डॉकयार्ड मुंबई का फॉर्म को कैसे फिलअप करें। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21/6/2022 से शुरू होकर 11/7/2022 तक रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लिक एयर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको सीधे एक नए पेज पर ले जाएगा। इसमें अपने एप्लीकेशन नेम में आपको अपना पूरा नाम डालना है और दूसरे में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है। मैं इसमें अपने ईमेल आईडी को डाल रहा हूँ। अगले ऑप्शन में आपको अपने मोबाइल नंबर को इसमें ऐड करना होगा और मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको इस पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन क्लिक होने के बाद थोड़ा समय लेगा क्योंकि ये लोड हो रहा है। अभी लोड होने के बाद आपको यस वाले ऑप्शन क्लिक कर देना। इसमें आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों दिखाई जाएंगे। आप उसे कॉपी या इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। ये आपके लॉगिन करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। करने के बाद आपको इस पेज पर भी अपनी लॉगिन आईडी और ईमेल और पासवर्ड दोनों दिखेंगे। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लें, इसकी फ़ोटो खींच के इसे सेव कर लें। ये आपको काम आएगा आगे। हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। उन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब हम सीधे होम वाले सेक्शन पर बढ़ते हैं और अपने कैंडिडेट लॉगिन में अपनी लॉगिन आईडी जो आपने कॉपी की है उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पासवर्ड जो आपको पिछले पेज में देखे उसे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फुल नेम में आपको अपना नाम डालना है और नीचे यहाँ पर फादर नेम का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके फादर नेम डालना है और मदर नेम में आपको अपनी माता का नाम डालना है। माता का नाम डालने के बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन है आधार नंबर, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। मैं अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ, आप भी इसी तरह अपना आधार नंबर डाल दें। इस बार आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है और जेंडर में अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और इसमें आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। और नीचे में अगर आपके शरीर पर कोई मार्क है तो जो मार्क है वो इसमें लिख दिया, अगर आपके शरीर कोई मार्क नहीं तो नो मार्क लिख सकते हैं। अगर आप पीवीडी कैटेगरी से बिलोंग रखती है तो यहाँ पर यस कर दें वरना नो कर दें। हम अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। अगर आप इनमें से किसी पे भी एलिजिबल है तो इन पे यस कर दें वरना इन सब पर नो कर दें। मैं इनमें से किसी पर एलिजिबल नहीं हूँ इसलिए मैं नो कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एड्रेस लाइन में आपको अपना हाउस नंबर डालना है और एड्रेस सेकेंड लाइन में आपको अपने विलेज का नेम या आपको जो भी आप इसमें डाल सकते हो आपको इसमें अपना एड्रेस डालना है। तीनों में इसमें आपको अपने ऑप्शन नंबर में आपको अपना लैंडमार्क नंबर डालना है या आप अपने कोई भी पोस्ट ऑफिस आपके नज़दीक है वो डाल सकते हैं। और अगले ऑप्शन में सिटी में जो आपकी नज़दीक सिटी पड़ती है उसका नाम डालना है। हमारे आसपास यहाँ पर अलवर पड़ता है तो हम इसके अलवर को भर देंगे। अगले ऑप्शन में आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। मैं अपना सिलेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन में आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको अपना पिन कोड नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप उस पर क्लिक सकते हैं। अगर आप 8वीं पास है तो 8वीं पास, 10वीं विद आई टी करें तो आप आई टी के साथ करते। अगले ऑप्शन में आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। मैं अपने स्कूल का नाम डालता हूँ और आपको इसमें पासिंग ईयर भी भरना है और आपको 10th में कितने नंबर मिले थे उसका वो भी डालना है और इसमें टोटल कितने मार्क्स में मिले थे और ये अपने रिडायरेक्ट अपने परसेंटेज को कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करना, इसमें कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करेंगे रिकर बेस्ट रहेगा। इसमें आपको फ़ोटो अपनी फ़ोटो भरनी, फ़ोटो साइज 400 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। मैं दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करके भर देता हूँ। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन में अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैं दोनों अपलोड करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में चाहिए वो भी आपको अपलोड करना है। पैन कार्ड अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यस आई कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो प्रिंट पर क्लिक करके इसे सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।